हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इलस्ट्रेटर के अंदर जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्पाइरल इफेक्ट है ना, ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखकर लग रहा है कि इनको बनाने में क्या टेक्निक यूज़ हुई होगी या फिर को किस तरीके से बनाया होगा। दिखने में काफ़ी टफ सा एंड थोड़ा हार्ड भी लग रहा है कि कैसे बना होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। लेट स्टार्ट। मैं क्रिएट के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ। मैं 1200 बाय 1200 पिक्सल्स का ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक एलिप्स लीजिए। यहाँ से आप शिफ्ट के साथ इसको इक्वली प्रोपोर्शन में क्रिएट कर लेंगे। देन मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका फिल यहाँ से हम नन कर देंगे एंड इसके स्ट्रोक्स में हम फिल करेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, इसके स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो हम 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्वेचेस में जाइए, विंडो में जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेंगे एरो से एंड यहाँ से आप अपना स्वेचेस पैनल जो है वो ओपन कर दीजिए। ठीक है, स्वेचेस में आप जाएंगे, यहाँ से आप ओपन स्वेचेस लाइब्रेरी एंड ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट एंड कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप ये ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको ये कलर कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, इसको फिल करेंगे। ठीक है, अभी ये फिल में हो गया है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके नन कर दीजिए एंड स्ट्रोक इसके फ्रंट पे कर दीजिए। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिल हो गया है। ये हम कैसे देखेंगे, ग्रेडियंट पैनल जो है हम ओपन कर लेंगे, विंडो में जाएंगे एंड यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट पैनल ओपन कर लो तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ये ग्रेडियंट लिया है तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लेंगे पहले। ठीक है, ये हमने सेंटर पे कर दिया अलाइन टू आर्टबोर्ड करके। इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, अभी हम कॉपीज़ जनरेट करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, मैं अभी सिंपली 100 करूँगी। ठीक है, इसकी कॉपीज़ जो है वो जनरेट हो गए, देन वो इसके पीछे है तो वो शो नहीं होंगे। हम इसको मूव करेंगे वर्टिकली 1 पिक्सल एंड हॉरिजॉन्टली भी इसको 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल। देन उसके बाद थोड़ा सा स्केल करेंगे, 1, 2 एंड 1, 2। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्केल किया। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका प्रिव्यू ऑन नहीं है। मेक श्योर कि आप यहाँ से प्रिव्यू ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैंने इसका प्रिव्यू ऑन किया तो इसने इसकी 100 कॉपीज़ जनरेट करी। हॉरिजॉन्टली मूव किया था इसने इसको 1 पिक्सल एंड वर्टिकली इसको मूव किया था 1 पिक्सल। देन मैंने इसको थोड़ा सा स्केल किया यहाँ से 2, 2 पिक्सल्स और। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे इसके एंगल्स है यानी कि रोटेशन, अब आप इसको अपने स्क्रॉल व्हील से भी मूव करोगे तो आप देखो ये किस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, मैं इसके यहाँ पे कॉपीज 150 करती हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से इसने एक रोटेट करके ये डिज़ाइन जनरेट किया। अगर मुझे दूसरा डिज़ाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये इसके एंगल्स दिख रहे होंगे है ना, अगर आपको इसको आप इसके एंगल्स चेंज करोगे। मैं कॉपीज़ कम करती हूँ यहाँ से, मैंने 126 करी है तो अभी आप देखो इसने एक डिफरेंट टाइप ऑफ ही एंगल पे क्रिएट किया है डिज़ाइन। आप इसके यहाँ से एंगल्स चेंज कर सकते हो एंड जिसके अकॉर्डिंग इसके ग्रेडियंट भी चेंज होंगे, प्लस इसका थोड़ा डिज़ाइन में भी यहाँ पर चेंज होगा। ये जो यहाँ पे इसके एंगल्स दिए हुए आप इन पे क्लिक करके देख सकते हो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका डिज़ाइन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सपोज मुझे ये वाला रखना है तो आप सिंपली ओके पर क्लिक कीजिए एंड देन अभी आप यहाँ पे इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई भी चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से अगर मुझे इसके स्ट्रोक्स कम करने हैं तो आप यहाँ से इसके स्ट्रोक्स कम कर दो एंड अगर आपको ग्रेडियंट नहीं पसंद है ये वाला तो आप यहाँ से जिस ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे ये वही ग्रेडियंट चेंज कर देगा। एंड इन केस अगर आपको स्पाइरल में, जैसे अभी यहाँ पर ये स्पाइरल क्रिएट हो चुका है, सपोज मुझे दूसरा वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद था, तो आप क्या करो, चेंज करने के लिए विंडो में जाओ, यहाँ से आप अपेयरेंस पैनल ओपन कर लो, यहाँ से आप अपेयरेंस पैनल ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वही है कि जो हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई किया था। आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे तो
वापस से वही सेम चीज़ आपको शो जाएगी जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की हुई थी। प्रीव्यू आप इसका ऑन कर लो। अगर मैं यहाँ से इसकी कॉपीज़ डिक्रीज़ करती हूँ तो आप देख सकते हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टली और मूव करना है तो मैं इसको और मूव कर सकती हूँ यहाँ से 2-2 पिक्सल, ठीक है। अगर मुझे इसको और स्केल करना है तो इस तरीके से मैं इसको स्केल कर सकती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसकी क्या वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ पे अगर मैं इसका स्केल कम करती हूँ तो इस तरीके से इसका स्केल कम हो जाएगा, ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर करके देखिए एंड आप इसके साथ कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए। अगर ये अभी इस एंगल पे रोटेट हो रहा है, सपोज़ मुझे इस एंगल पे रोटेट चाहिए, ये अभी ये यूं हो रहा है, मैं चाहती हूँ ये यूं हो, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम माइनस में करेंगे तो अब ये इस एंगल में रोटेट होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी है एंड चेंज करके आपको देखना है कि किस तरीके का जो है इसमें एक इफ़ेक्ट ये शो कर रहा है, ठीक है। सिंपली मैं अभी ओके पर क्लिक करूँगी एंड सपोज़ मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर, जो इतना पार्ट मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका यूज़ में चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, आप यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लो एंड आप सिंपली इस क्लिक एंड ड्रैग करो, फिल कर लो इसको एंड स्ट्रोक्स इसके यहाँ से नन कर दो, ठीक है। एंड आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपका डिज़ाइन होगा ये उस शेप में आपको मास्क कर देगा एंड लेटर ऑन आप फिर शिफ्ट के साथ इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ इन केस आपको लगता है कि ये गलत मास्क हो गया है इसके साथ, तो राइट क्लिक करिए, रिलीज क्लिपिंग मास्किंग करिए एंड इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल करती हूँ यहाँ से, ठीक है ना। आप इसकी यहाँ से पोजीशन पकड़ के ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये। अब अगर मुझे सपोज़ फिल्म में बनाना है ना, जो मैंने ये वाला क्रिएट किया था, अगर ये वाला इस तरीके का बनाना है तो वो कैसे बनेगा। मैं पहले अपने इस आर्ट बोर्ड को शिफ्ट ओ करके यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ओके। यहाँ पे क्रिएट करेंगे अगेन सर्कल, छोटा सा एकदम, जूम कर लेंगे इसको यहाँ से। एंड पिछले बार हमने इसके स्ट्रोक में फिल किया था तो ये एक डिज़ाइन देखने को मिला था, अब हम इसके फिल में करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिल कर लो इसको किसी भी ग्रेडियंट से, ये जो हमने कॉम्बिनेशंस खोले हैं यहाँ से इस कॉम्बिनेशंस में अप्लाई कर दो। अभी ये इसके स्ट्रोक में हो रहा है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, नन कर दो, फिल इसका अवब में होना चाहिए एंड यहाँ से अकॉर्डिंगली कोई भी आप कलर ले लो, ठीक है। उसके बाद अगेन आप इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में प्रीव्यू ऑन, मेक श्योर कॉपीज जनरेट कर लो 100 अगेन, ठीक है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे, मूव करेंगे 1 पिक्सल एंड 1 पिक्सल, थोड़ा सा स्केल करेंगे 1-2 अगेन 1-2, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप रोटेट करोगे तो वही सेम एंड यहाँ से इसके एंगल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देख सकते हो, सपोज मुझे ये चाहिए तो मैं ओके पर क्लिक करूँगी एंड इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो मुझे मिल गया। सपोज़ मुझे ये ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो आप चाहो तो यहाँ पे बकेट ऐड कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर जो है डिफ़ाइन कर सकते हो। एंड इस तरीके से आप अपने फिल जो आपके स्पाइरल होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, प्लस आपके जो स्ट्रोक स्पाइरल्स होते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगेन अगर आपको इसको भी एक स्क्वायर में या किसी भी शेप में रखना है तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करो, फिल करो इसको किसी भी शेप में एंड दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, और अब आप इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ से एंड आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्पाइरल्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप सो कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरीके से स्पाइरल्स क्रिएट करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, सो दैट मैं उस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।